देश कहाँ था पहले, हम तीसरी सबसे ऊपर थी अर्थव्यवस्था थे, पांचवी तो वैसे ही हो गए। तो हम और पाकिस्तान से करें, अब हम श्रीलंका से, हम बांग्लादेश से हंगर इंडेक्स में नीचे हैं, इसके बारे में क्या कहें? हम उनसे तुलना करें, श्रीलंका से तुलना कर लें? नहीं कर सकते ना भाई, हमें तुलना करने के लिए भी थोड़ा तुलना। मैडम आज ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप भी वही उसी करते हैं। मैं नहीं करती, प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रही हूँ, उन्होंने बोला थ्रेट। मैंने एक बार भी पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं करूंगी, मैं तो देश की चौथी विश्व की चौथी वायुसेना के उसमें से आती हूँ, मैं कैसे ऐसे बात कर दूंगी। मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान को कुछ समझती नहीं। ट्रांसपोर्ट है अपने ही हेलीकॉप्टर से, हमने 1947 से लेकर और 2014 तक 1500-1600 जहाज खरीदे, यानी कि हर साल 22-25 के लगभग प्रति वर्ष। आज हम 8 साल से 36 जहाज खरीद के बैठ के और ये बताते हैं और हल्ला इतना करते हैं, कहते हैं कि हमने देश को की सेना को मजबूत कर दिया है। ये एक सबके सोचने का सवाल है कि पहले की सरकारें अपने समय के बेस्ट एयरक्राफ्ट लाती रही, हमेशा इस सरकार ने, किसी भी देश की हर सरकार ने बेस्ट एयरक्राफ्ट ही खरीदे, लेकिन इतना शोर कभी नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लोग ना केवल केरल के बाद दूसरा नंबर आता है साक्षरता में, समझदार हैं और वो भी ये जानते हैं कि मार्केटिंग की चमक एक बार आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन आप जब ड्यूरेबिलिटी की बात है, जब जब मजबूत नहीं होती, तो आप खुद देख रहे हैं देश में अर्थव्यवस्था किस हालत में है और बाकी चीजें किस हालत में है। मेरा अपना प्रदेश मध्य प्रदेश, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और बरसों से है डबल इंजन की सरकार, वहाँ का बजट, सालाना बजट 2,00,000 करोड़ का है और वहाँ का बजट घाटा श्रीलंका से बराबरी कर रहा है, 3,00,000 करोड़ का है। तो डबल इंजन की सरकार नाम का एक जो जुमला है, इसको आप मध्य प्रदेश के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं सबसे ज्यादा, महंगाई तो पूरे देश में बढ़ी हुई है, बेरोजगारी वहां पे भी बहुत ज्यादा है, किसानों के हालात खराब हैं, और बीमा कंपनी का जो जिस क्लेम की बात होती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहा जाता है, उसकी भी धांधली वहां सामने आ चुकी है।